सरकार ने सोनभद्र जिले के ग्राम पंचायत सुंदरी के पहाड़ टोला में विद्युतीकरण प्रक्रिया के तहत 5 वर्ष पूर्व खंभे और तार तो लगाए, परंतु बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक इन टोलों में बिजली नहीं दौड़ पाई, जिससे हरि ओम सहित 70 परिवार के लोगों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। मैं मोहम्मद जावेद और ये है मेरा समुदाय। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपके घर में बिजली है? नहीं। तो आपके घर में बिजली नहीं है तो इससे क्या परेशानी होती है? पढ़ने में परेशानी होती है क्योंकि लालटेन में कभी तेल नहीं रहता है, मट्टी की तेल तब रोशनी कम मिलता है, अगर लाइट रहता तो रोशनी बढ़िया मिलता और बहुत देर तक पढ़। घर में बिजली है? नहीं, बिजली का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ तो पोल और तार दिख रहा है आपके टोले? हाँ, पोल जो है ना, पोल तो वो पिछले 5 वर्षी से पोल और तार तो खैर खींच दिया गया है, लेकिन अब तक लाइन नहीं मिला, बिजली नहीं मिला, बिजली की लाइन नहीं मिला। हाँ, और इधर जल रहा है गांव में, कुछ हद तक उधर जलता है, लेकिन ये हमारे पहाड़ टोला में लाइन नहीं दिया गया आज तक। आपके टोले में कितने घर की आबादी है? हमारे घर में आबादी कम से कम 40 घर तो हैं। आपके टोले में? टोले में हमारे इस टोले में सिंचाई कूप और वो सिंचाई का बौलियाँ, वो शासन से विकास कार्य के संबंध में ये सब उपलब्ध हैं। बिजली नहीं होने के कारण हम लोग खेती बाड़ी का काम नहीं ले पाते हैं, फसल तो सब का सब फसल चला गया, लेकिन तब है कि अगर बिजली की लाइन होता तो जो धान हम लोग गाए थे इसे सींच करके पैदा कर लेते, मरने नहीं देते ये, और अभी के जो फसल चल रहा है अभी का फसल भी उसे निकाल लेते। बिजली से साग भाजी जो भी अपना ज़रूरत है हम लोग सब उससे खेती कर लेते हैं। लाइन के अभाव में ये सब चीज़ का तो हम लोगों का दिक्कत है। ये मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इस टोले में बिजली न होने से बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है तथा ये लोगों को अंधेरे में ही अपना जीवन गुजारना पड़ रहा है। मैं यह बदलाव चाहता हूं कि इस टोले के सभी घरों को बिजली मिले ताकि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप हमारी मदद करें। सोनभद्र ज़िले के जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर 94-54-41-75-69 पर फ़ोन करके दबाव बनाएँ ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मैं मोहम्मद जावेद, सुंदरी दुद्दी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।